जिंदगी में सफल होना सबको अच्छा लगता है, और अपने आसपास के अपने रिश्तेदारी में पड़ोस में देख के कोई आदमी अगर आगे जा रहा होता है, वो पैसों में उसने अच्छा खासा पैसा और नाम कमाया होता है, तो सबका मन कहता है कि उसे उसके जैसा हम बने। तो थोड़ा मैं आज अपने विचार इसी बारे में रखूंगी अपने वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नंदनी जो मैं हूँ नंदनी। हमारे पड़ोस में या गांव में रिश्तेदारी में दोस्तों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ में बहुत सफल होते हैं, तो हर किसी के मन में इच्छा होती है कि हम भी इनके जैसा बने। अब लेकिन सवाल ये आता है कि कुछ लोग क्या होता है, जाके सीधे उनसे ये पूछने के बजाय कि तुम सफल कैसे हो, लेकिन सीधे लोग ज़्यादातर लोगों की आदत ये होती है कि तुम पैसा कितना कमाते हो, कितना कमा लेते हो तुम, इतना पैसा कहाँ से आए। ये सवाल तरीका ये तरीका गलत है। अगर हमें उसको उसके जैसा बनना है तो हमें अपना सवाल बदलना पड़ेगा, ताकि उसको सुनने में अच्छा लगे और वो हमें वो रास्ता बता सके। हमें बजाय उससे ये पूछने कि तुम कितना पैसा कमाते हो, हमें सवाल पूछना चाहिए कि आप मेहनत कितनी करते हो। जिस मुकाम पे आप जिंदगी में हो, यहाँ पे आप यहाँ तक पहुँचने में आपका समर्पण कितना है, आपने कितनी नींदें गवाई, आप कितना भागे हैं, और आपके इस मुकाम को पाने के पीछे मेहनत कितनी है, कितने आपने अपने जूते घिसे होंगे, कितने आपने नींदें गवाई होंगी, आपने अपना खाना पीना छोड़ा होगा, और आपका लक्ष्य लक्ष्य को पाने के लिए आपने कितनी मेहनत कितनी कठोर मेहनत की होगी, और किस तरह से आपने आपको खपा दिया, क्या क्या कुछ किया आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए, ताकि हम भी वहाँ तक पहुँचे, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा सही। ये होता है पूछने का तरीका। अक्सर हमारे में लोग यही पूछते हैं, अरे इतना पैसा कमा दिया तुम तो यहाँ पहुँच गए, कहना ये बहुत अच्छा लगता है सबको। जो इंसान यहाँ पहुँच गया होता है बहुत ऊपर, जिसको देखने के लिए हमें अपना आंखें भी उठानी पड़ती है, सर दुख जाता है देखने के लिए, कि वहाँ तक पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत होती है, समर्पण होता है, दिन रात के मेहनत होती है, अपनी नींद गवाई होती है, अपनी भूख की परवाह नहीं की होती है, ना तो धूप देख के, ना तो उस बंदे ने ना धूप देखी होगी, ना उसने छांव देखी होगी, ना उसने गर्मी देखी होगी, और ना उसने कड़ाके की सर्दी देखी होगी। इन सब के बीच उसने खुद को खपाया होगा, तब उसने वो मुकाम हासिल किया होगा। और हम बहुत ही आसानी से पूछ देते हैं कि इतना पैसा आपने कहाँ से कमाया और इतना पैसा आपने कैसे कमाया, ये तरीका गलत है। और ख़ासकर वो बच्चे जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कहते ना गुरु के पैरों में बैठ के ही कुछ पूछा जा सकता है। अगर आपको लगता है कि कोई इंसान लाइफ में ज़िंदगी में वो सफल है तो क्यों है, उससे उसका कारण पूछो, न कि ये कि तुमने इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया, कितना पैसा तुम कमा लेते हो, ये तरीका गलत है। इससे तुम्हारी सोच का पता चलता है, उसको ये भी लगता है कि हाँ ये शायद मुझे देख के जेलस हो रहा है। इस सोच के साथ तुम ज़िंदगी में कहीं नहीं बढ़ पाओगे। सवाल बदलो, अपनी मानसिकता बदलो, बजाय इसके कि कितना कमाते हो ये पूछो कि कितने मेहनत करते हो, यहाँ तक पहुँचने में आप अन्य की मेहनत कितनी है, इसके पीछे की कहानी हमें बताओ, ताकि हम भी यहाँ तक पहुँच पाए। बस यही है, ज़िंदगी में अगर सफल होना है तो सिर्फ मेहनत ही नहीं करनी, अपनी सोच को भी अच्छी रखना पड़ेगा, अपनी सोच को भी ऊँचा करना पड़ेगा, तब हम ज़िंदगी में कोई मुकाम पा तक पहुँच पाएंगे।
जिस आदमी को हम अपना आदर्श मानते, जिन लोगों से हम सोचते हैं इन्होंने कितना कमाया, फिर ये सवाल बदलना पड़ेगा। ये सवाल फिर हमारे दिमाग में नहीं आएगा ही नहीं, हमें लिए कितनी मेहनत करके हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। सिर्फ मेहनत ही नहीं करनी, सोच भी बदलनी, अच्छी सोच। और तुम्हें वहाँ पहुँचाएगी जहाँ तक तुम पहुँचना चाहते हो। गलत सोच से तुम हमेशा गर्त में ही जाओगे जितनी भी मेहनत करोगे। बस सवाल पूछने का तरीका बदलो और खुद की सोच बदलो। जिंदगी में उस मुकाम को बहुत आसानी से पालोगे जहाँ आप जाना चाहते हो। नमस्कार। अगर आप मेरे वीडियो से भाग रखते हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए घंटी आइकन भी प्रेस करें।